नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई की डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन उन सभी के लिए खास होने वाला है जो आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, भारत की सामान्य जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं आर्मी और एसएससी जीडी, उनके अंदर जितने भी इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन के आधार पर आज का ये सेशन तैयार किया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस सेशन में भारत की सामान्य जानकारी से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। जी हां, चलिए आपके सामने है सबसे पहला इंपोर्टेंट फैक्ट। अगर हम बात करें कि भारत की स्थिति क्या है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन किस दृष्टि से, अक्षांश की दृष्टि से भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अगर हम बात करें देशांतर के आधार पर, तो देशांतर के आधार पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर बात करें अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगले फैक्ट की अगर बात करें तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कई बार एग्जाम में लिखा रहता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट फैक्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि सर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, तो इससे बड़े कौन कौन से देश है, उनको भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसी से संबंधित एक और फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, 2रा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 2रा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां है। अगला फैक्ट क्या है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है, तो 2.4% है। कितना है, 2.4% है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट आपके सामने है कि विश्व के 8 बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत का तो 7वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, 7 नंबर पर है। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। इसके बाद कौन है, कनाडा है। फिर कौन है, चीन है, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और 8 नंबर पर कौन सा है, अर्जेंटीना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 8वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, अर्जेंटीना है। भारत का कौन सा स्थान है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया, रूस। 7 नंबर पर भारत का स्थान है और 8वां बड़ा देश कौन सा है, अर्जेंटीना है। आगे देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो भारत का है 2रा। कौन सा है, 2रा है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है। अब हम बात करें कि भारत की जो जनसंख्या है संपूर्ण विश्व की कितनी है, संपूर्ण विश्व का 17.5% है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, और भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का कितना है, 2.4% है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में रिपीट हुए हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। चलिए डिस्कस करते हैं, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कुल। कौन सा है, इंदिरा कुल। दक्षिणी बिंदु कौन सा है,
इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? पिगमेलियन पॉइंट। पुराना नाम क्या है? पिगमेलियन पॉइंट। पूर्वी बिंदु की अगर बात करें तो पूर्वी बिंदु है वालांगू और ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सरक्रीक और सरक्रीक कहां पर है? गुजरात में। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप केमोरिन और ये कहां पर पड़ता है? कन्याकुमारी में। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि केप केमोरिन कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। भारत का अगर हम बात करें दक्षिण बिंदु तो भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ये कहां पर स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन भारत का दक्षिण बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा केप केमोरिन कन्याकुमारी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 3214। और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? 2933। अब अगर हम बात करें कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगर तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 7,516.5 किलोमीटर है। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से आता है कि मुख्य भूमि का तटीय सीमा कितना है? 6100 किलोमीटर। ये तटीय सीमा की टोटल लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर, जिसके अंदर द्वीपों की भी तटीय सीमा इंक्लूड है, लेकिन मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर है। दोस्तों इस सेशन के अंदर मैं आपको भारत की सामान्य जानकारी से संबंधित जितने भी फैक्ट प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए हैं वो सभी के सभी फैक्ट आपको क्लियर करवा दूंगा। इस टॉपिक से आपका कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट नहीं छूटने वाला है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब यहां से क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो 3 तो आपको इनमें से मिल जाएंगे और 1 आपको मिलेगा इनसे अलग, उसको आपको टिक करना है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पर इंपोर्टेंट फैक्ट क्या रहता है कि सर्वाधिक सीमा कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश। और सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी होगी? 7। सातों के नाम आपको याद होना जरूरी है। इसके बाद फैक्ट पूछा जाता है कि सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, करक रेखा के बारे में डिस्कस करते हैं। करक रेखा से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है कि करक रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि करक रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। इन 8 राज्यों के नाम आपको याद होना जरूरी है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करक रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किस राज्य से करक रेखा नहीं गुजरती है। तो 3 तो आपको यहां से मिल जाएंगे, 1 आपको अलग मिल जाएगा। ध्यान रखना है करक रेखा 8 राज्यों से, 8 राज्यों के नाम आपको याद होना जरूरी है। अगला हम बात करते हैं मानक समय रेखा के बारे में। तो ये जो मानक समय रेखा है ये क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? मानक समय रेखा बोलते हैं। ये कहां से गुजरती है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस स्थान से मानक समय रेखा गुजरती है।
तो इलाहाबाद के निकट नैनी मिर्जापुर से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों के नाम आपको याद होना जरूरी है। अगले फैक्ट की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे तटीय सीमा से लगे राज्य। तो भारत की जो तटीय सीमा है, इससे कितने राज्य लगे हुए हैं? 9 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन से? गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और यहां पर पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य लगे हुए हैं? 9 राज्य लगे हुए हैं। तो तटीय सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत की तटीय सीमा पर नहीं स्थित है। तो तटीय सीमा पर कौन सा राज्य नहीं स्थित है, इनके अलावा जो भी राज्य है वो तटीय सीमा पर नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि तटीय सीमा पर 9 राज्य हैं और इन 9 राज्यों के नाम याद होना जरूरी है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा है वो किस राज्य की है? गुजरात के साथ लगती है। दूसरा अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा है? त्रिपुरा। 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। अगर हम बात करें, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा गया कई बार कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 3 देशों के साथ लगती है। उत्तर में कौन सा देश है? चीन है। पूर्व में म्यांमार के साथ और पश्चिम में भूटान के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। उत्तर में लगती है चीन के साथ, पूर्व में म्यांमार के साथ और पश्चिम में भूटान के साथ लगती है। ठीक है, अगला बात करते हैं कि 10 डिग्री जो चैनल है यह अंडमान को निकोबार के बीच से गुजरता है। अंडमान और निकोबार के बीच से गुजरता है, मतलब 10 डिग्री जो चैनल है यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अगला फैक्ट हम डिस्कस करें तो भारत की जलीय सीमा, 7 देशों से लगती है। स्थलीय सीमा भी 7 देशों के साथ लगती है, जलीय सीमा भी 7 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट कि भारत के जलीय और स्थलीय सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं। भाई कौन से ऐसे देश हैं जो भारत की जलीय सीमा है उसके साथ सीमा बनाते हैं और साथ साथ स्थलीय सीमा के साथ भी सीमा बनाते हैं? तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये 3 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और जलीय सीमा भी बनाते हैं। कितने देश हैं? 3 देश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी दोनों बनाते हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये 3 देश हैं, ध्यान रखना आपको। आगे हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उस सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई साहब रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो भारत और चीन की सीमा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और चीन की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। कहां पर? शिमला में। भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? डुरंड रेखा के नाम से। आपको इंपोर्टेंट फैक्ट ये भी ध्यान रखना है कि जो डुरंड रेखा है वो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? डुरंड रेखा।
लेकिन ये वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फैक्ट। पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी ये किस किस को अलग करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो भारत और श्रीलंका जो देश है इनको पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। अगला फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। और इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट यह है कि दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया। भारत का निकटतम मतलब जो सबसे नजदीक समुद्री पड़ोसी देश है वो कौन सा है? श्रीलंका है। और दूसरा कौन सा है? इंडोनेशिया है। और ये फैक्ट भी आपके पेपर में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया था कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, इस वजह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इस फैक्ट के पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको पता होना जरूरी है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। शायद सभी को पता है कि भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। कब बनी थी? 1911 ईस्वी में। दिल्ली शहर की नींव किसने रखी थी? जॉर्ज पंचम ने। नींव किसने रखी? जॉर्ज पंचम ने। अगला फैक्ट है कि दिल्ली शहर का प्रमुख वास्तुकार कौन था? सर एडविन लुटियंस। कौन था? सर एडविन लुटियंस। और दिल्ली शहर की रूपरेखा किसने तैयार की थी? हर्बर्ट बेकर ने की थी। तो यहां मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करवाया मैंने कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। दिल्ली शहर की नींव किसने रखी? जॉर्ज पंचम ने। दिल्ली शहर का प्रमुख वास्तुकार कौन था? सर एडविन लुटियंस। और दिल्ली शहर की रूपरेखा किसने तैयार की थी? हर्बर्ट बेकर ने। तो आज के सेशन में मैंने आपको भारत की सामान्य जानकारी से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए थे वो डिस्कस करवाए हैं। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओगे। सेशन अगर अच्छा लगा तो सेशन को फटाफट भाई शेयर कर दें आर्मी की तैयारी करने वाले भाइयों को, और जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को भी सेशन को शेयर कर दे भाई। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करता हूं कि भाई आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद जय भारत।